सो हेलो पब्जिंस कैलचर आपके लोग स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। राज आने वाले के अपन थर्ड में। और देखो भाई पिंक के नशे देखो, मतलब तुम हॉट ड्रॉप कर रहे हो और ऐसे टाइम पे तुम्हारा 900 पिंक आ जाए ना, ऐसे हवा में लटक जाओ तो यार मरने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। पर मैं कुछ करके यहाँ पे बच जाता हूँ क्योंकि साइड में बंदे लूट रहे होते हैं। देखने मैं आपको बताऊंगा। मैं मतलब अपना हेलमेट उठा रहा था आराम से अंदर की तरफ और मैंने गन छानी, तभी मेरे को सामने से फुटस्टेप्स की आवाज आते हैं नीले वाले घर से। तभी मैं यहाँ पे कुछ देर टीपी भी लेता हूँ कि क्या पता बंदा मेरे को दिख जाए और मैं जल्दी छुपके से भाग के निकल दूँ, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर गन नहीं थी। मैंने सोचा यार स्कारल या फिर M4 वगैरह मिल जाएगी तो बढ़िया, क्योंकि M16 फालतू के मेरे को पता है मेरे पास बाइजन, लेकिन फिर भी यार अभी भी अपने को थोड़े अच्छे आर्मर चाहिए। अब देखो मैंने शुरुआत में आपको दिखाया कि कैसे मैंने एस्टल से मार खाई और ये गाइस बस एक ट्रेलर है जिसे आप कह सकते हो, मतलब मैं इस पर पूरी मूवी दिखा सकता हूं आपको। और ये चीज आपके साथ ही बहुत बार होती होगी, मतलब एस्टल से इतनी ज्यादा बार मरे ना और इस गेम में एस्टल के कई प्रयोग करेंगे। अब देखो मैं इस बंदे को कंटिन्यूसली देख रहा था, मुझे पता था ये ऊपर आएगा और जैसे ऊपर आएगा भाई फायर करता हूं मैं और काफी डैमेज देते मैंने इस बंदे को। जैसे ही कूदा देखना इसके पास भी एस्टल के, मतलब हद हो गई यार, नॉक कर दे इसको मैंने मेरे पास आने से पहले, क्योंकि अगर मेरे पास आ जाता ना गाइस तो मैं भले ही 25% हेल्थ होती मेरी, मतलब इसकी 25% हेल्थ होती तो भी मुझे मार जाता, क्योंकि एस्टल के भाई इतनी ज्यादा भयंकर है ना, सच में मुझे पता चल गया कसम से। चलो ऐसे मैंने पूरा फिनिश करा और अब मैं उठाता हूँ एस्टल के। मैंने सोचा अब आओ कौन सा आएगा, तो मैंने एस्टल के उठाए जल्दी से और मुझे कुछ बॉट्स मिलते तो इनको मैं पहले सेट करता हूँ। और अब जो मैंने बंदा मारा था ना उसके टीममेट आते भागे भागे और देखो इनका क्या हश्र होता है। एक को नॉक करके मैं जल्द से ऊपर पहुंचता हूँ, क्योंकि मुझे पता था दूसरा बंदा अगर यहाँ से आया तो भाई भले ही मेरी 1 HP है तो मैं उसको इजीली मक्खन मार के नॉक कर सकता हूँ, क्योंकि एस्टल कह रहा अपने पास, बट ये बंदे नीचे रिवाइव करते हैं और बंदे मैंने मार दिए गाइस। और एस्टल के से मारने के बाद मेरे को ना सारे वो मैसेज अपने याद आते हैं जिनमें मैं एस्टल के से मरता हूँ। अब देखो मैं निकलता हूँ यहाँ से गाड़ी पकड़ने के लिए अपना इस डिस्ट्रिक्ट में, गाड़ी पकड़ता हूँ मैं, बग्गी मिलती है मेरे को और मैं आता हूँ यहाँ पे फैक्ट्री पास वाला ड्रॉप लूटने और यहाँ से मुझे मिलती है ओम। और आप में से कुछ लोग कह रहे थे भाई ये बहुत बेकार कॉम्बिनेशन होता है एस्टल के और ओम वाला, बट आप में से काफी सारे लोग ये भी चाहते हो कि मैं स्नाइपिंग करूँ, क्योंकि मुझे भी देखो स्नाइपिंग पसंद है और मुझे एस्टल की यूज़ करने का मेरा मन था, तो मैंने सोचा दोनों चीज़ चला लेते हैं, मतलब कॉम्बो जाए भाड़ में आपकी और मेरी चॉइस पूरी होनी चाहिए, तो हो गया। लेकिन वो अलग बात है मैं घंटा भी स्नाइपिंग नहीं करता इस वाले मैच में देखना, क्योंकि एस्टल के ने यार बवाल मचा रखा था। देखो मैं गाड़ी लेके आता थोड़ा अपार्टमेंट साइड, क्योंकि मुझे बंदे मार रहे थे और बंदे कहीं मिल नहीं रहे थे, तो मैंने देखो वापस से गाड़ी घुमाता हूँ और मैं निकल देता हूँ थोड़ा विलेज की साइड। और ऊपर देखो आप शायद आपको एक फ्लेयर ड्रॉप दिखा होगा, मतलब किसी ने फ्लेयर चलाई थी, तो मैं गाड़ी लेके इसी फ्लेयर ड्रॉप के पास जाता हूँ फैक्ट्री की तरफ और देखना इन बंदों को क्या ही मारता हूँ। मेरे किल 5 है अभी, लेकिन जैसे यहाँ पे आता हूँ और निकलता हूँ तो मेरे किल्स देखना। और इस टाइम पे अगर मेरे पास कोई असॉल्ट राइफल होती ना गाइस तो मैं सच में इनको मारते रह जाता और ये बंदे मरते बहुत देर बाद, मतलब 1 मिनट तो शायद लग ही जाती है। अब देखो मैं इनको पूरा फिनिश कर देता हूँ, मेरे को मेरे पूरे 8 किल मिल जाते हैं इन बंदों को मार के। इनका चौथा बंदा ने पता नहीं कहाँ ऐसे ऐसे करा रहा था। अब देखो मैं ड्रॉप लूटता हूँ यहाँ से, मुझे बस ओम के कुछ एमो मिल जाते हैं जो कि इस बंदे के पास थे और 8x स्कोप भी मिल जाता है। अब देखो मैं लूट में बड़ा खुश हो रहा था कि हाँ बहुत सारी लूट है, एस्टल के एमो अच्छी तरह छान रहा था, तभी देखना जो पड़ती है ना मेरे को गाइस मजा आ जाएगा आपको देख के। ये बंदा ऑलमोस्ट मेरे को मार ही चुका था, बस मैं बच गया थोड़ा सा और अपनी शक्ल दिखा देता ना तो ये मेरे को पूरा फिनिश कर देता। अब देखो मुझे लग रहा था एक ही बंदा है, देखो सामने से भागा भागा आ रहा था, मैंने सोचा आने दो, मैंने सोचा ओम से मार दो इस बंदे को, पर शॉट मेरा मिस हो जाता है और अब मुझे पता चलता है कि 2 बंदे हैं। और अब मुझे लग रहा था कि हाँ एक बंदा बच रहा है बैरल वाला, लेकिन पीछे मुझे वापस एक और बंदा दिख चुका था और मैंने वापस यही सोचा कि हाँ एक को ओम से मार दूंगा लेकिन इनको भाई एस्टल कैसे मरना है। और यहाँ पे भी गाइस सेम कहानी हो जाती है, इन बंदों का भी चौथा बंदा पता नहीं कहाँ पे पार्टी कर रहा था, तो इनके मैं 3 के किल से अगर कर ले तो मेरे 11 किल हो जाते हैं। और अब देखो जोन में निकलना था क्योंकि जोन आ चुका है, जोन पीछे मस्त बम पे लात देता है, तो गाइस निकलना पड़ता है हमें जोन में, हमें नहीं सिर्फ मुझे। तो बैठ तो अपनी बग्गी में, सामने शायद आपको एक ड्रॉप दिख गया कतई लाल लाल, तो यहीं पे मैं अपनी गाड़ी लाता हूं। मैंने सोचा था मैं ड्रॉप वगैरह लूटूंगा पर मुझे फ्रेम में 2 बंदे दिखते हैं जिनमें से कि एक को मैं ओम से नॉक कर देता हूँ और दूसरा बंदा भी नॉक हो चुका है, अभी तक मैं एक बंदे पर ही अटका पड़ा हूँ। अब देखो जिस दूसरे बंदे के मैंने जब क्विक्स को मारने का ट्राई करा ना, अगर आप लोग स्लो करके देखो तो आप देखना आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बैक पे शायद गोली टच हो गई होगी, पर पता नहीं है बैक पे डैमेज जाता है फिर नहीं। मेरे को याद है कि पहले तो अगर बैक पे भी गोली लग जाती थी ना तो भी बंदे के डैमेज पहुंच जाता था। अब देखो मैं तो अपना किल सिक्योर कर लेता हूं दोनों का और मैं इस वाली हिल पे हल्का ऊपर की तरफ जा रहा था, तभी मेरे को फुटस्टेप्स की आवाज आती है और 2 बंदे यहां पे भी आ चुके हैं।
इन दोनों को भी गाइस मैं पूरा फिनिश कर देता हूँ। और जो मजा आ रहा था ना गाइस एस टुल के चलाने में, क्योंकि बहुत ज्यादा हो चुका था गाइस, मैं बहुत ज्यादा मर दूँ सच में एस टुल के से, तो अच्छी तरह मैंने अपनी सारी खुंदस निकाल ली यहाँ पे। अब देखो मेरे को वापस से फुटस्टेप्स की आवाज आते हैं, मतलब बंदे कते रुकने का नाम नहीं ले रहे, पर कोई बात नहीं हम भी नहीं रुकेंगे क्योंकि क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास एस टुल के है बट इस बार थोड़ा ओम का प्रयोग करेंगे गाइस। और अब मेरे ख्याल से बचते हैं एक बंदे, मेरे ख्याल से नहीं बिल्कुल एक बंदा ही बच रहा है गाइस, एक तो मैं हूँ ही और एक मेरे अलावा बच रहा है। और मुझे देखो अब जोन में जाना था, आप लोग देख सकते हो, तो मैं पहले जोन की तरफ खींच सकता हूँ। और ये बंदा मुझे इतनी देर से नहीं देखा, मैंने सोचा पता नहीं कोई बॉट आया एंड में मरेगा, बट आखिरकार लोंडा मेरे को देखता है। और देखना ये बंदा कूद रहा होता, तो पहले मैंने इसके एक ओम छाप दी, जिससे मुझे मतलब मेरा थोड़ा दबदबा बन जाए, क्योंकि बंदे गाइस स्कैम कर जाता है ऐसे टीमअप के नाम पे, और मतलब कहेंगे कि हाँ टीमअप कर और फिर भाई पीछे से कम मार देंगे ना, पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, इसलिए मैंने पहले अपना दबदबा बनाया जिससे उसका मतलब पता चल जाए कि हाँ ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं बंदा। और बंदा कॉन्टिन्यूसली कूदे जा रहा था, और मुझे पता था इस गेम की स्टार्टिंग मुझे एक बंदा मिला था मिलने वाला, तो फिर भी मैंने एक बार टेस्ट कर लिया। अब मैं जाता हूँ बंदे के पास और भाई से हेलो हाई हेलो करते थोड़ा, और देखना मतलब मजा आ जाएगा। इसकी आवाज़ थोड़ी कट रही थी बट देखना सुनो। अब देखो मुझे अभी तक पता नहीं था कि अपना ही भाई है फिर क्या सीन है, क्योंकि ये बंदे ने देखो अभी तक कुछ बोला ही नहीं था, मतलब ऑल पे वेट करते कब भाई बोलेगा, मतलब कोई टीम अप वाले से कोई मिशन कंप्लीट कराने क्या सीन है। मैंने अपना माइक कॉल पे करा, फिर मैंने इससे बोला और भाई मेरे से कहते कि भाई व्हाट्सएप पे वीडियो भेज देना एक बार। अरे तुम ये वीडियो तो ये बंदा गाइस बोल रहा था कि भाई वीडियो भेजोगे या फिर नहीं, तो मैं समझ चुका था कि अपना ही बंदा है। और मेरे भाई तुम खुद ही देख सकते हो वीडियो पहुंची है कि नहीं, मुझे नहीं पता आप तक पहुंचेगी या फिर नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से पहुंच गई होगी। अब देखो हम थोड़ी देर बात करते हैं कि क्या सीन है भाई क्या नहीं, और एंड में पेन फाइट होती है, तो वो देखो आप लोग। और गाइस कर लेते हैं कि चढ़े ना, अब देखो चले कि मैं स्टेडियम में आया था और नीचे आप लोग देखना एक से दो स्क्वाड यहाँ पे लैंड कर जाती है, वो अलग बात है मेरे को इतने ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा किल नहीं मिल पाते, लेकिन किल मिल जाते ठीक ठाक। देखो टॉम भी मिली मुझे और शायद आपको एक बंदा उतरता दिखा होगा है ना, इसी के पीछे में पड़ जाता हूँ। अपना किल सिक्योर करके मैं ऊपर आया और मुझे ये बंदा दिखता है, मुझे लगा इस पास एस्ट्रो के है तभी मैं वापस आ गया था, मतलब आजकल सपनों में भी एस्ट्रो के दिख रही है। इसे मैंने चलो नॉक कर दिया, नीचे मेरा टीममेट भी नॉक हो जाता है S12 के से, तो मैं सोच रहा भाई ये अलग ही सीन हो गया, कैसे मारू उस बंदे को। पहले मैंने सोचा रश करता, लेकिन मैं देखता हूँ वो बंदा अपने टीममेट को रिवाइव करने जा रहा है, क्योंकि मेरे टीममेट ने उसके एक बंदे को नॉक कर रखा है, तो मैंने सोचा मैं भी अपने टीममेट को इजीली रिवाइव करता हूं, पर अब ये बंदा रश करता है और बस अब सब्सक्राइब हो जाना चाहिए गाइस। और आप में से कुछ लोग पूछते हैं कि भाई कुछ टिप दो यार एस्टुल के से कैसे बचे, वैसे तुम गलत इंसान से पूछ रहे हो क्योंकि मैं बहुत बार मरता हूँ एस्टुल के से, आप सभी को पता है, बट फिर भी ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। पहले थोड़ा डैमेज दो टीपीपी में अगर हो तो थोड़ा सा डैमेज दो, और एकदम से ड्रॉप शॉट कर दो, मतलब एक गोली तुम खाओगे लेकिन दूसरी गोली खाने से पहले शायद बंदा नॉक हो जाए, डिपेंड करता है अगर आप लोगों ने ज़्यादा हेडशॉट्स मार दिए उसके तो बंदा बहुत जल्दी नॉक हो जाएगा, बट चांसेस बहुत कम है क्योंकि एस्टुल के का डैमेज हद से ही ज़्यादा है गाइस, मतलब कुछ भी कर लो बंदा इजिली तुमको मजे लेते लेते भी मार देगा, पर कभी कभी ये चीज़ें काम कर जाती है। अब देखो हमने इन बंदों को मार दिया, यहाँ पे पूरा क्लियर हो चुका था स्टेडियम, हम निकलते हैं यहाँ से कुछ बॉट मार के। मैं बैठता हूँ अपनी गाड़ी में, अपने टीममेट को बैठाता हूँ और हम आते हैं अपार्टमेंट साइड, बिकॉज यहाँ पे कुछ गनशॉट्स की हमको आवाज़ आई थी, और आप लोग देख सकते हो फुटस्टेप्स आ रहे होंगे आपको मिनी मैप में, और ये बंदे ना ऊपर रेड करने का ट्राई करते हैं। और इन बंदों को बचने का कोई चांस ही नहीं था गाइस, क्योंकि हमने ले रखी थी एस्टुल के दोनों ने। अब देखो मैंने सोचा कि उन्हें गाड़ी लेके हम वापस से निकलते हैं, लेकिन जरा गनशॉट्स की आवाज़ सुनना, बिल्कुल आपको एकम की गनशॉट्स की आवाज़ आई होगी, मुझे भी आई थी, और अब जरा सुनना भी और देखना भी। अब उस तरफ देखो ओपी वाली फाइट हो रही थी, एस्टुल के चल रही थी, लेकिन इस बार कोई खौफ नहीं है क्योंकि हम दोनों के पास एस्टुल के है, तो कतई धूमधाम मचा देंगे हम जाके, तो जल्द से गाड़ी लेते हैं हम उसी तरफ जाते हैं। और यहाँ पे देखो कुछ बंदे जस्ट रिवाइव हुए थे, और अब देखो अभी से मैंने नॉक करा, लेकिन मुझे इतना जरूर पता था कि इनमें से एक बंदे के पास एस्टुल के जरूर है, और ये होता है वो एस्टुल के वाला बंदा। अब देखो मैं जल्द से वापस से कवर में जाता हूँ, क्योंकि सामने हो चुकी थी गाइस थर्ड पार्टी, मैंने मेरे टीममेट से बताया कि भाई अपने किल से कवर कर ले क्योंकि सामने थर्ड पार्टी हो चुकी है, और देखना अब आपको पता चलेगा मैंने अपने टीममेट से क्यों ऐसा कहा, क्योंकि अब उसकी जल्दी मौत होने वाली है। जल्द से मैंने उसको रिवाइव करा और सामने शायद आपको एक बग्गी आती दिख गई होगी, और देखो बस और मुझे ना गेम खेलने के बाद याद आया कि मैं एक चीज़ कर सकता था यहाँ पर अपने टीममेट को बचाने के लिए, गाड़ी को ना एकदम से बैठता गाड़ी में और आगे कर देता मेरा टीममेट, शायद गाड़ी के नीचे कुछ तो हो जाता, मतलब मेरे ख्याल से वो बच जाता, बग्गी सीधी मेरी गाड़ी की भीड़ थी और शायद मेरा टीममेट फिनिश नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं मैं सीक्रेट से एस्टुल के एमो ले लेता क्योंकि मेरे पास देखो बहुत कम एमो थे, तो मेरा टीममेट चलो
आगे मेरे काम आता है इस वजह से, क्योंकि मेरे को एस्लो के एमओ मिल जाता है। देखो सामने मैंने कुछ बंदे नॉक करे थे, आप सभी को पता होगा, एक बंदा प्रॉन था, उसके मैंने M4 का स्प्रे मारा था, वो बंदा रिवाइव हो चुका है और इनकी तीन बंदों की टीम होती है। तो मैंने सोचा गाड़ी लेके मैं अब जोन की तरफ निकलता है, फिर कुछ करके इनको पास जाके मार दो, क्योंकि मेरे पास एस्लो के है और वहां पे एक बंदे के पास कार 98 है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं गाड़ी लेके जस्ट निकलता हूं और देखो गाड़ी का क्या हसर करते हैं लोग। और गाइज मुझे यहाँ पे लगा कि अगर मैं गाड़ी और चलाता ना तो पक्का ये गाड़ी फोड़ देता। अब देखो यहाँ पे मेरे को लेवल 3 की वेस्ट मिल जाती है फ्रेश और लेवल 2 का हेलमेट, और मुझे लगा रहा था कि सामने से कोई नेड़ जरूर करेगा क्योंकि दो तीन बंदे थे यार। और अब देखना एक बंदा अकेले में आ जाता, और भाई अकेले में हो गया ना तो एस्ट्रो के मेरे पास बच के जरा, इसको मैंने नॉक करा और मुझे पता था आसपास नेड़ा, तो मैं भागता हूँ प्रो ना, तो जिससे मैं थोड़ा दिखा सकूँ कि हाँ मैं भी थोड़ा प्रो हूँ। और अब देखना एक बंदा यहाँ से आता है एस्ट्रो के वाला, जिसे कि मैंने लपेट लिया। और अब गाइज आखिरी बंदे की बारी है जो कि सामने है, और ये बंदे अगर एक साथ भी रश कर देते ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एक बंदे के पास एस्ट्रोल की थी पहले, मैं उसे टारगेट कर लेता और फिर इजीली इनको मैं मार देता। अब देखो गाइस मैं आपसे इमेजिन करने को कह रहा हूँ, जस्ट इमेजिन करो आप अकेले हो, सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलो और सामने पूरी स्क्वाड है, और स्क्वाड के तीन बंदे के पास एस्ट्रोल के है और एक बंदे के पास MK14, और क्लोज रेंज फाइट हो रही है उस स्क्वाड की आपसे, मतलब कहते चारों बंदे एक ही घर में है, तो आप लोग सोच सकते हो बचने के चांसेस हैं, बिल्कुल है, क्योंकि हर चीज़ के चांसेस होते हैं गाइस, मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल यू नो, बट फिर भी चांसेस बहुत कम रहते हैं। और अब इमेजिन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो बंदा यहाँ पे मैं हूँ, और अब बिल्कुल लाइव देखो आप क्या होता है, मैं मरूंगा मुझे पता है, बट इस टीम की जो ऐसी तैसी करके मैं मरता हूं ना, देखना आपको मजा आएगा। अब मुझे देखो इन बंदों की फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी, ये सोचे थे अकेला बकरा मिल चुका है चलो मारते हैं, तो मैंने एक मौली फेंकी नीचे, क्योंकि इन्हें पता नहीं भाई इतनी आसानी से नहीं मरूंगा, एस्ट्रो के मेरे पास मौली फेंकी, एक बंदा जलता और मुझे पता है भाई एक नॉक तो निकालना पड़ेगा भले ही मुझे मरना पड़े, क्योंकि जीतने के लिए। बंदे मारने पड़ेंगे गाइस, जीतने तो बंदे मारने पड़ेंगे। अब देखो मैं टीपी भी लेता हूँ वापस, क्योंकि वही एक सहारा है यहाँ पे मेरे पास, बस इस बंदे के पास गाइस कार 98 होती, नहीं तो बाकी दो बंदों के पास एसएल की थी और तीसरे बंदे के पास शायद MK14 थी। अब देखो ये बंदा ऊपर आने का ट्राई कर रहा था पर ये नीचे रह जाता, तो मैं सोचा अपना मैं मस्त मारता हूँ नीचे जाके और बंदों को, और देखो इसे मैंने कर दिया नॉक, और मैं वापस से जल्दी से कवर में जाता, और मुझे इतना तो पता था कि हाँ दो बंदे तो मैंने मिनिमम नॉक कर रखे, क्योंकि तीसरा बंदा रिवाइव हो चुका है मुझे पता था, और ये है भाई वो बंदे। और अब देखो क्या ही मार के जाते हैं मेरे को, एम का तो डाइवर्ट हो गया, एक बंदे को तो मैंने शायद काफी लो कर दिया था, लेकिन MK14 वाला पीछे से भाई बहुत ज्यादा गोली मेरे भर गया और मारे जाते हैं गाइस। देखो दो से तीन बंदों के पास तो शायद एस्ट्रोल की थी और एक बंदे के पास MK14 जरूर थी, बहुत मुश्किल है स्क्वाड को मारना। मैं कह सकता हूँ कि हाँ मैं कुछ देर और वेट करता, मतलब एक बंदे को टारगेट करता तो शायद मैं यहाँ पे बच सकता था, बट वही है गाइस मरने के बाद पता चलता है कि क्या करना था क्या नहीं करना चाहिए था। अब ये एंड की मॉन्टेज वीडियो है जो कि आप जरूर देख के जाएंगे, मैं मतलब आपसे कल, तब तक के लिए बाय।